जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। हत्या के मामले के आरोपियों को ढूंढते हुए दिल्ली पुलिस खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पहुंची। यहां पुलिस और आरोपियों का आमना सामना हुआ तो बचने के लिए एक आरोपी ने दो मंजिला मकान से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। ये आरोपी दिल्ली में एक युवक की हत्या कर फरार हुए थे। खंडवा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को युवक सुरजीत सिंह की 6 आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद 3 नाबालिग आरोपियों को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए थे। ये तीनों फरारी काटने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे। लोकेशन मिलने पर दिल्ली पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए यहां पहुंची। ओंकारेश्वर में गुरुवार रात को आरोपियों और पुलिस का आमना सामना हुआ। पुलिस को देख बचने के लिए मोहित पिता अक्षय ठाकुर ने दो मंजिला इमारत से छलांग लगा दी थी। पत्थर पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि अभिषेक पिता राकेश ढाकोलिया और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खंडवा के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि ये सभी आरोपी दिल्ली के शाहदरा निवासी हैं। मृतक के परिजन को पुलिस ने सूचित कर दिया है, उनकी मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जबकि दो अन्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है। कल दिनांक को थाना मांधाता में दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी और वो एक मर्डर उनके पुलिस स्टेशन विवेक विहार में एक मर्डर हुआ था 26 जनवरी को, उसी के जो फरार आरोपी 3 थे उसकी पतरसी के लिए आई थी और यहाँ पे उन आरोपियों को उन्होंने तलाशा था। उन आरोपियों ने पुलिस टीम को देख के भागे थे और एक भोजनालय के ऊपर जिम है उसके ऊपर छत पे वो चले गया था और एक आरोपी उनमें से उसने वहाँ से संभवतः बचने के लिए क्या करने के लिए उसने वहाँ से जंप मार दिया और जो नीचे चट्टाने थी वहाँ पे वो गिर गया और जिसके आधार पे इसमें हमने मर्ग कायम किया है। जो मृतक आरोपी है उसका नाम मोहित पिता अक्षयलाल है और जो अन्य आरोपी हैं अभिषेक और तुषार, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनको टीम दिल्ली पुलिस टीम अपने साथ ट्रांजिट रिमांड के साथ ले जाएगी। कुछ आरोपियों को दिल्ली पुलिस टीम ने वहीं गिरफ्तार किया था और कुछ की तलाश में यहाँ पे आए थे और जो जानकारी लगी है पिछले 1-2 दिन से ये जो आरोपी हैं ये 3 ये यहाँ पे मांधाता थाना क्षेत्र में होटल में रुके हुए थे और जहाँ तक उम्र की बात है ये सभी नए उम्र के लड़के हैं और इनकी तस्दीक की गई है और ये सभी 18 साल से ऊपर पाए गए हैं। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।